भाई यार चल ले, झाड़ फूक का बिल्कुल ही मंदा चल रहा। यो, 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 यो। इस तरह तो हमारे घर बार भी बिक जाएंगे। अरे बाबा मंदा तो हो गई, तू एक नंबर का फरोडी है, तेरे को कुछ आता ही नहीं। तो तुझे कौन सा मना खाने के वास्ते रख रखा, तू भी तो कुछ दिमाग चला। अब अपन को चलाना पड़ेगा दिमाग, बाबू हमें एक आदमी ढूंढना। आदमी बाबा 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 बाबा। बच्चा खड़ा हो जा, क्या दिक्कत है तेरी? अबे तू साले चोरी चकारी का काम छोड़ के बाबा का काम पकड़ लिया, अभी जा रहा मगो मैं ऐलान करवाऊंगा जाके। अरे रुक जा रुक जा, मुझे पता तू एक नंबर का हरामी, और हराम के खाने की आदत लगी हुई तुझे। मुझे हराम के खाने की आदत लगी हुई तो तेरा क्या खाज है? अरे खाज तो कुछ नहीं है, अब हम तो बन गए बाबा। तू एक काम कर, कस्टमर ला मेरे पास पकड़ पकड़ के, आधा तेरा। ठीक है, तुम गुरु चिल्ले जो है ना अपना ठिया जमाओ, और कस्टमर लाना मेरा काम है। लाइन लगा दूंगा कस्टमर की, लाइन लाइन ही लगा दूंगा, जमाओ तुम ठिया। ले भाई चिल्ले, हो गया काम, आदमी मिल गया, अब लाइन लग जाएगी कस्टमर की। अंधभक्त मचा देना अंधभक्त। चलो बस अरे लौंडे को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं तो डिस्को डांस ही देख लिया उन्होंने, पागलों की तो रोक रो यार कहता जी, पता नहीं सब लोग क्या हो गया, हम तो परेशान हैं। एक लौंडा था वही सब लोग ऐसे निकल गया, उसकी पिंड गया बाबा का ले रहा, बस यार क्या कह सके। अरे बेटे मियाँ कहाँ जा रहा, परेशान सा लग रहा। वो जा रही हम जहाँ जा रही तेरे खाई। अरे नहीं मैं पूछ रहा था, मैं तो परेशान सा लग रहा, कुछ बता देता मुझे भी। तू क्या करेगा? अरे कुछ तो कर ही लूंगा जब बतावेगा। नहीं बता रहे हम तुझे। ना बता फिर मैं जा रहा। चल यार सुन ले, यार सुन ले। हाँ बता। अप्रिशिएट हो जा, एक कप चाय का पिला देगा ना, अपना बहुत नहीं है वो, मेरा लमड़ा है निकल डिस्कू जा। हाँ मैं सबरों को पता नहीं क्या होगा, उन्हें क्या देखा रात भी रात को, पागलों की तरह कर देंगे। नो तो उसका समाधान तो मेरे पे है। तेरे पे क्या है? क्या एक बाबा है? बाबा और? अरे बाबा बुब्बा भरोसा नहीं करता मैं। अरे एक बार तो करके देख ले। केड़ा बाबा? तो इतना केड़ा तेरा लौंडा एकदम सही हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ भाई यार चल ठीक है, जब तू कह रहा चल मिलवा के ले। कालू तेरे भरोसा नहीं है मुझे। अरे अब का करके देख ले। चल कोई नहीं, चल आ फिर चल। अरे कंडे पे साट डाले तेरे बाप की मुर्गा में सबरे के। ले भैयो भाई सबरे का यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया? लोटे में पड़ेगा। बकरी से क्या घास सा चुग रही? सबरे के बकरी ने बताया नहीं, मेरा लुंडा वो तो वही है। हाँ चल फिर चल। ये हाथ डाल दिया कितनी बार का? सबरे का देख क्या कर रहा है बैठा हुआ। ओ सबरे के बेटी की चीज दिलवा लूंगा, ये घास भी निकाल दे। मेरे बच्चा चीज दिलवा लम्मा दी, नहीं खाता चीज। अरे ये चीज दिलवा लम्मा, मेरे बच्चे नहीं तू, मेरे छोटे बच्चे नहीं मैं, मेरे बच्चे मन के सच्चे। बैठ के नीचे बैठ के मेरा कच्चा। अरे क्यों भैया है अन्ना टोपी दी ना बाबा, मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। अरे नहीं ये चीज दिलवाऊंगा, किसी बात कर रहा तो बहुत। हां अगर एक दिन तू मुझे होना मिलता ना तो कब्रिस्तान में जाओ। अरे रुक यार रुक यार, ये गाइस जरा अपना खा के मान जाएगा ये उड़े के अनाथ आश्रम में ला रखा है लगे क्या इधर। टॉफी दे बेटे छोटू, टॉफी दे मुझे। अरे सुतरी के टॉफी दे मुझे। पापा मुझे लगे से डिस्को वाले भूत चले गए। डिस्को हो चाहे भिस्को हो, भूत तो सारे तार दिए हमने, और अभी लेस का भी तार देंगे।
असली तो मैंने भूख मार दी बाबा, मैं तो एक्टिंग कर रहा, मेरे बाबू मुझे आईफोन नहीं दिलवा रहा, आईफोन की एक्टिंग है सारी। बच्चा जिस तरह तू कर रहा है करता रहे, इसमें तुझे आईफोन भी मिल जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। जिस तरह मैं कहूँ थोड़ा करता रहना। बड़े मियाँ इधर आ, मैंने जो तुम्हारे बच्चे के अंदर भूत है उससे बात कर ली है। वो आज के जमाने का मॉडल भूत है इस बच्चे के अंदर, वो आईफोन मांग रहा है। आईफोन वेटनी अपना दिलवाना पड़ेगा। कोई नहीं दिलवा दूं आईफोन, मेरे बच्चे को ठीक करना। बच्चा तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 10,000 रुपए यहाँ रखो बाबा के आगे। देख यार तुम्हें भी दूं, 1.5 लाख का ये फोन भी लूं। यहाँ पर मुकेश अंबानी बैठा। बड़े मियाँ ये काम करना पड़ेगा अगर बच्चे की जिंदगी बचानी है। बचा बेटा यू ना होता ना, आज में करोड़ों का आदमी होता, देखूंगा 10,000 रुपए। 10,000 की आवाज है। पर वो गल्ले है नजर, वो गड्डी भी मार रहा अब रहेगा। लो आया। अरे मेरे बच्चे मेरी चांद, ठीक होगा तू? हाँ मैं तो कहता हूँ ठीक हूँ, मुझे क्या होता। कोई बात नहीं, मैं तुझे पता नहीं तूने बहुत दुखी करा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की। ए बड़े मियाँ, बाबा की जय हो नहीं है भाईजान की जय हो है। बाबा को मरवाओगे क्या? अरे बाबा जी बहुत अच्छे एकदम, क्या कर रहे हैं उसके तरह। चलो अब बस फटाफट कर चल, हम तो फोन है वो। अरे बेटे तू ये नहीं पता चला दिया, आईफोन दिलवाऊंगा। चल मन बोला दिलवाना का। हां आईफोन दिलवाइए। मन बोला भी मान ये। अच्छा मैं भी पेट में फेंक के जल्दी चल। चल भाई जी जो जग के दिए हो रहा आजकल के। मैं काट लूं तू नहीं चल रहा बाहर आ, मैं थोड़ा हादसा दिखा लो अपना। मैं भी हां शावरे के ले ले। होगा बाबा ले ले दे ले ले। मुझे बता रहा बच्चा कह रहा था तुझे कुछ पार्ट में से भी दे। फटाफट चल भाई बाबा, अड्डे अड्डे कर ले यार, और भी लाने कस्टमर फेर मुझे। ये ले पकड़ और जल्दी होर लेगा। दर्जन एक हो जाएंगे हर महीने होगा। अरे चला लेकिन यार पैसे लेगा थोड़े ज्यादा। वो कितने लेगा भाई? ले लगा 10,000। बस ठीक है मैं ला रहा। ठीक है तू ले पैसे। हेलो हाँ बाबा, हम मुर्गा ला रहा बहुत तकड़ा। हाँ 10,000 ताड़ने, उसका नाम है घसीट्टा और 2 लोंडी इसके और उसकी बहू को लग रहा 9वां महीना। कैडे पैसे ताड़ने। चल भाई चलो। चल यार तू बहुत डेंजर है बाबा, टेंशन ना ले। चल फिर तू यार। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ चल दिए? अरे बाबा के दौरे लेके जा रहा है। लड़के लड़किया पैदा हो, लड़का नहीं होता। बाबा? हाँ बाबा कहाँ से आया? बाबा ही आया हुआ, आगे ताबीज बना के देगा। ओहो देखो मेरे भाई एक बात बताऊँ तुम्हें? जी बताओ। इन बाबा बुब्बो के चक्कर में नहीं पड़ा करते, अजी एक नंबर के फ्रॉड हो। लड़का देना औलाद का देना ये अल्लाह के हाथ में है, बाबाओं के हाथ में थोड़ा ही यार। समझो तुम मुसलमान हो यार, समझदार हो, क्या कर रहे हो यार तुम्हें? अजी बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन लड़के का मामला अब के तो जान दो तुम, बाद में सोचेंगे इस बारे में। तो बाद में सोचेंगे। अरे सुन तो लो भाई। चलिए क्या होगा साबिर भाई इनका बताओ। अजी अल्लाह ही जाने उस्मान भाई क्या होगा। चलो आगे करेंगे मुलाकात, जान दो इन्हें तो। इसको भी काटेंगे।
बाबा। बच्चा तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाबा ने पहले ही पर्चा तेरा लिख दिया था। तू नहीं बताना बाबा को, बाबा खुद बताएंगे तुझे क्या समस्या है तेरी। तेरा नाम घसीटता है या नहीं? हाँ है बाबा। दो लड़कियां तेरे घर में पैदा हो चुकी हैं बाबा, और तुझको लड़के की इच्छा है? बिल्कुल है। तो क्या बोलता है बाबा को? अरे बाबा बाबा। बच्चा अब हमने तेरी सारी टेंशन दूर कर दी है, बाबा तुझको एक ताबीज लिख कर देता है। इस ताबीज को अपनी बीवी को घोल कर पिला देना, और तेरे घर में इसी साल एक बच्चा पैदा होगा। ये रखो, मुट्ठी बंद कर लो, और 10,000 रुपए यहाँ रखो। बाबा 10,000 का वो बजट नहीं है। बच्चा फिर तो लड़का पैदा नहीं होगा। अरे नहीं बाबा नहीं। बच्चा बाबा का आशीर्वाद है, तेरे घर में लड़का जल्दी पैदा होगा, हो सकता है कल भी पैदा हो जाए। जाओ। रात के पैसे रखे ला, चॉकलेट मांगी अपने वास्ते के कार रख दिए जिस तो रही नहीं। क्या हो गया? तेरी बहन का तू नहीं रखे, तेरे पे होंगे। देगा। अरे मेरे पास एक बाबा। अरे बाबा बाबा भरोसा नहीं करता, एक बार करके देख ले। यार पैसे पूछे लगे वहाँ लग जा पैसे भी। चल कोई नहीं, मैं अपनी घरवाली को बिठा लू और पैसे बिठा लू। हाँ ठीक है चल। अरे रुक जा, पूरी नींद स्टार्ट हो रही। सपना चौधरी और सबरे खड़ू से पीछे भी नहीं हो रहा तू। पर तुझे अटक के बोल सबरे खड़ू सा क्या रहा है तुझे बतियो। अरे मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, मैं सबरे का इधर हो जा खड़ू से। क्या कर रही हो? बच्चा नीचे बैठ जा, ये बाबा का आशीर्वाद होता है, ये हर एक को नहीं मिलता। क्या समस्या है? बाबा बाबा मेरे घर में 10,000 रुपए डाले पता नहीं किन्ने। बाबा देख रहा है क्या? बच्चा बाबा को देखने दे। क्या बच्चा बाबा ने देख लिया है क्या? तू बैठ जा यहाँ से आगे। अरे बाबा जी मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक बैठ जा बैठ बता बता। तेरे साथ भाई हैं। बच्चा तुम्हारे पैसे जो हैं घर के आदमी ने उठाए हैं। हाँ मैंने उठाए। हाँ तो कहीं मैंने सोलो कर रखे तो ही दो मशीन वाले। अरे वो तो बात तेरी ठीक है, लेकिन मैं ही कमा गया मैं ही ठामा। अरे बाबा तुम नाम बताओ। बच्चा बाबा नाम नहीं बताते, अगर बाबा ने नाम बता दिया तो तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाएगी।
अच्छा तो फिर इन दोनों ने उठाया होगा, ये हमारे घर में तो ही आ देख बेटा, फिर तुझे कैसे लीन लगूंगी। चल बेटा तेरे लोग हूं मैं। अरे खड़े हो जा, मान ना बोलिए बच्चा। पैसे तो दो बाबा को। पैसे ये पकड़, पैसे पैसे की बात कर रहा तो मान ले। तू घर चल, तुझे बता खून। चल तुझे चाट दूंगा मैं जल्दी, दे दे ओढ़ लाऊंगा फिर का अन्य कलाने का भी नहीं। तुझे लगता पता पैसे कितने उठाए, ना तो तूने उठाए पैसे, ना उठाए मैंने पैसे, उस बुढ़िया ने उठाए जो घर में पड़ी। हाँ बुढ़िया कुछ नहीं कह रही, श्रीमत दाई मार दूँगा। कैसे कैसे फट रही है वो तेरी बहन का। साबिर भाई हमारे गांव में एक बाबा है वाह, और उसने सारे लोगों का बेवकूफ़ बना रखा। अगर थोड़े दिन यूँ ही चलता रहा ना तो हमारी जो आने वाली नस्ल है ना वो भी सारी गुमराह हो जाएंगी। तो बताओ क्या करें हम? करें क्या उस्मान भाई, सबक सिखाते हैं उसे चल के, उसका पर्दाफाश करते हैं। पर्दाफाश? जो ठीक कह रहे तुम, चल ले बाबा के पास, उससे बात करेंगे चल के। बात करेंगे उससे चल के, अभी सिखाते हैं उसे सबक। भीड़ लगी पड़ी गाँव वालों की। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। हाथ तो मिला लो। बच्चा बाबा हाथ नहीं मिलाएगा, अगर बाबा ने हाथ मिला लिया तो ये अंगूठी निकाल लेगा। बाबा मेरा हाथ देख के बताओ मुझे प्रधानमंत्री बनना देश का, देखो बन जाऊंगा नहीं। अरे बच्चा बाबा हाथ देखकर कैसे बता सकते हैं कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे या नहीं। अरे बाबा तुम भी कमाल के आदमी हो यार, बताओ भाइयों बताओ तुम ही। जब बाबा सब कुछ बता सकते हैं कि किसके यहाँ लड़का पैदा होगा, किसका कारोबार चलेगा, किसका बंद होगा, जब सब कुछ बता दें बाबा तो ये क्यों नहीं बता सकते कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या नहीं। बताओ जवाब दो भाइयों बताओ, क्यों भीड़ लगा रखी यार तुमने, बताओ यार। एक नंबर की बात कह रहे बाबा फरोडी। या अल्लाह लड़का पैदा हो बस, या अल्लाह लड़का पैदा हो, बाबा ने भी कहा था। या अल्लाह मुबारक हो आपकी बेटी पैदा हुई है। यार यो तो फिर लड़की पैदा होगी, अब क्या करूँ यार, उसने बाबा ने पैसे भी अड़ लिए, कह रहा था कि लड़का ही पैदा होगा, वो बाबा ही मुझे फरोड़ी लग रहा, बाबा को ही मारूंगा जा के। चल ला। ए, कपड़े कहाँ रखे हैं मेरे? यार ये ऐसी मिली हुई कपड़े भी खुद ही उठाने पड़ेंगे। मैं कौन से पहनू, कौन से पैसे। ए भाग्यवान इधर को आइए जरा। हाँ जी क्या? पैसे कहाँ आए? पैसे ये मुझे कब तक कहाँ आए? मुझे कब तक? ये तो यहाँ रखे थे ऊपर ली अलमारी में। हाँ ये ऊपर ली अलमारी में रखे थे। हाँ अब मैं तो नीचे ढूंढ रही थी। फिर तेरी बहन का तूने मारी माँ भी बजाया। आगे, 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 ये तो आज मैं बताऊंगा तू देख तूने रुक
जा माँ, इसे देखो माँ आगे, पहले से बाबा को देखता हूँ मैं। ठीक है ना, जल्दी जा। जा रहा मैं। ठीक है। मेरे भाइयों, 100% गारंटी दे रहा मैं तुम्हें, बाबा जी बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाबा फ्रॉड है। बताओ बाबा बताओ। हाँ फ्रॉड है। बताओ बाबा। बता ही नहीं सकते, देखो कैसे मुँह। बाबा बताओ। फ्रॉड बाबा। बताओ। देखो कैसे मुँह छुपा रहा है। तो मेरे भाइयों, तुम भी गौर फिक्र करो, इन बाबाओं ने तुम जैसे मासूम भोले भाले लोगों का बेवकूफ बना रखा है, और तुम बेवकूफ बनते हो। और जो सही बाबा हैं, जो बेचारे अच्छे बाबा हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं इनकी वजह से। अरे बाबा बताओ ना। तो मेरे भाइयों, इन बाबाओं के चक्कर में आके अपने ईमान यकीन को बिल्कुल ना खराब करें, ये तुम्हारा बेवकूफ बना रहे। आज तक किसी का एक भी मसला हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा फ्रॉडी है, किसी का मसला हो ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं जी तुम, ये बाबा एक नंबर का फ्रॉडी है। इसने मेरे से 10,000 भी ठग लिए। इनने कहा था तुम्हारी घरवाली पर लड़का पैदा होगा, लेकिन लड़की पैदा हुई। तो देख लिया भाइयों तुमने, ये अभी सच बिल्कुल सामने आ गया। सही कह रहे हैं जी तुम। क्या हुआ? इनने हमें बताया था कि तुम्हारे पैसे घर में ही है। इन्होंने हमारी माफी भिजवा दिया और हमारे घर में सारे में लड़ाई करवा दी, और वे पैसे अगले दिन हमें अलमारी में से ही मिल गए। देखो भाइयों, ये बाबा एक नंबर का फ्रॉडी है, इसे गांव में से भगाओ। अरे फ्रॉडी।